Hello everyone, a very good morning. Once again, welcome to Adda 24/7, Adda 24/7 के agriculture platform, agriculture Adda 24/7 के YouTube channel पर आप सभी लोगों का स्वागत है. तो फिर आइए guys, फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक. देखिए, टॉपिक से पहले तो मैं आपको बोलूंगा Adda 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए. इस पे मिलेंगे आपको फ्री एग्रीकल्चर क्विजेस सितंबर एंड से, ठीक है. प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि आपका डेडिकेटेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स एटसेट्रा. साथ ही साथ यहाँ पर आपको पावर कैप्सूल्स मिलते हैं. अभी तक एग्रीकल्चर के तो नहीं मिले हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग के मिलते हैं, डेली क्विजेस मिलते हैं और न्यूज अलर्ट्स मिलते हैं, जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें. वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सुबह से तीन बार गुड मॉर्निंग हो चुका है हम लोगों का, ठीक है. एंड आपके एग्रीकल्चर क्लासेस के लिए ना भाई, देखिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. ऐसी गलती तो बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है. सुबह 9:30 बजे हॉर्टिकल्चर की क्लास स्टार्ट होती है, 9 बजे करंट अफेयर, 10 बजे 11 बजे आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिलते हैं, पूरे 6 दिन 12 सब्जेक्ट, ठीक है. और साथ ही साथ फिर से 12 बजे FSSAI की क्लास, 2 से 4 FCI की क्लास. आज 6 बजे है, कल से शायद 5 बजे से 7 बजे होगी हरियाणा एडीओ की क्लास, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आज है आपका सेट 10, ठीक है. सेट 10 ऑफ एग्रोनॉमी. फटाफट देखते हैं भाई एग्रोनॉमी क्या है क्या नहीं, ठीक है. कोई उस दिन बोल रहा था सर आप पिक्चर में अलग दिखते हो, ऐसे अलग दिखते हो, ऐसा है क्या भाई? पिक्चर तो मेरी ही है, ठीक है. चलिए. सो पहला ओके पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइकॉट वीड. मैंने यहाँ पे थोड़े से वीड साइंस से क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन वीड साइंस फिलहाल अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा. आपको कौन पढ़ाएंगे? आकाश सर, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइकॉट वीड? फिलांथस निरूरी, चेनोपोडियम प्यूरले, चेनोपोडियम एल्बम, साइप्रस रोटुंडस या फिर नन ऑफ द अबव. डाइकॉट मोनोकॉट सबका क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर है तो वो भी बता देंगे, कोई बात नहीं. फटाफट इसका आंसर दीजिएगा. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके सो देखिए, अगर मैं डाइकॉट वीड की बात करूं तो आंसर है यहाँ पे साइप्रस रोटुंडस. क्या होगा? साइप्रस रोटुंडस इज द राइट आंसर, ठीक है. देखो साइप्रस रोटुंडस भाई, आप आते जाते हर जगह आप देखते होंगे. एक साइप्रस रोटुंडस है, एक साइनोडॉन डैक्टिलॉन है, ठीक है. ये दोनों वीड तो आप जहां ऐसे पांव रख दिया आपको, ये दोनों वीड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. ये कुछ ऐसे होते हैं, जब आप इनके अंदर से घुस के चले जाओगे ना तो पूरे पैंट में व्हाइट कलर के इनके जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो चिपक जाते हैं, ठीक है. सो साइप्रस रोटुंडस इज, और इसको जिसको इसको हम कहते हैं पर्पल नट सेज, इज अ पेरिनियल ग्लॉसी ग्रीन ग्रास. ओके, इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना ये पर्पल कलर के होते हैं. ओके, ग्रास लाइक यूरेशियन सेज और वीड विथ एन इरेक्ट ट्रायंगुलर स्टेम. इसका जो स्टेम है ना ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है. ओके, इनटू 3 स्टेम्स ऑफ पर्पल एंटेना विथ सीड पॉट्स, ठीक है. यही सीड पॉट्स हैं जो हमारे कपड़ों में जनरली चिपक जाते हैं. ओके, डैश जनरली ऑगमेंट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस विच इज वॉटर सॉल्युबल, ठीक है. इनमें से कौन सा मेथड है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का जो किस चीज में हेल्प करता है? फॉस्फोरस को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है वाटर सॉल्युबल फॉस्फोरस. आपको अगर याद होगा सिट्रेट वाटर बताया था मैंने, ठीक है. ब्रॉडकास्टिंग एंड इनकॉर्पोरेशन, बैंड प्लेसमेंट, ड्रिलिंग, डिबलिंग. ब्रॉडकास्टिंग और इनकॉर्पोरेशन में अंतर यह है कि भाई देखो, ब्रॉडकास्टिंग में सिंपली आप फेंक के आ जाते हो फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टिंग एंड इनकॉर्पोरेशन में आप ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद एक बार प्लॉविंग करते हो जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजर मिक्स होकर नीचे चला जाता है. सो द राइट आंसर हियर इज सी, बैंड प्लेसमेंट, ठीक है. क्या है बैंड प्लेसमेंट भाई? बैंड प्लेसमेंट है क्या ये भी समझ लेते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्लियर नहीं होता है कि भाई बैंड प्लेसमेंट क्या है, ठीक है. आपका टॉप ड्रेसिंग क्या है, ओके, बेसल एप्लीकेशन क्या है, यही क्लियर नहीं होता है फर्टिलाइजर में, ठीक है. इन दिस मेथड फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द प्लाव फरो, ठीक है. सॉइल है आपका, ठीक है. ये आपका प्लाव फरो है, मतलब आपका हल है, ठीक है. जब ये हल जाता है ना ऐसे, हल ये जो हल ने जितना यहां पे गड्ढा बनाया है उसके ठीक बॉटम पे हम फर्टिलाइजर प्लेस करते हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बैंड प्लेसमेंट, ठीक है. इन अ कंटिन्यूअस बैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लॉविंग. आगे आगे हल चलते जाएगा, पीछे पीछे हम फर्टिलाइजर डालते जाएंगे. जब वापस आएंगे ना तब वो फर्टिलाइजर कवर हो जाएगा. गॉट इट एवरीवन? सो बिहाइंड द प्लाव, इट माइट बी कंट्री प्लाव, इट माइट बी ट्रैक्टर प्लाव, एनीथिंग. ओके, सो बिहाइंड द प्लाव जनरली वी नॉट ब्रॉडकास्ट, वी जस्ट अप्लाई द फर्टिलाइजर. देन व्हेन वी कम बैक फॉर अनदर रो, द प्रीवियस रो गेट्स कवर्ड, ठीक है. चलिए,
नंबर थ्री, रेटोनिंग इज प्रैक्टिस्ड एज अ मैटर ऑफ रूटीन इन डैश. भाई रेटोनिंग किस में प्रैक्टिस किया जाता है? शुगर बीट एंड शुगर केन, शुगर बीट एंड मेज, शुगर केन एंड नेपियर ग्रास, शुगर केन ओनली, ऑल ऑफ द अबव. आंसर प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट. रेटोनिंग इज प्रैक्टिस्ड एज अ मैटर ऑफ रूटीन इन डैश. देखो, सो रेटोनिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है कि जो आपका प्लांट है ना, उसको एक सर्टन हाइट पे काटा जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, और जो बच जाता है हिस्सा, उसमें से नया प्लांट निकलता है. ओके, रीग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट और रीजनरेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर, लेफ्ट बिहाइंड स्टॉक ऑफ द ओल्ड प्लांट इज व्हाट वी कॉल्ड रेटोनिंग. ठीक है, तो क्या शुगर बीट में होता है? जी नहीं. क्या शुगर केन में होता है? जी हाँ. क्या शुगर बीट में होता है? जी नहीं. क्या मेज में होता है? जी नहीं. क्या शुगर केन में होता है? हाँ. क्या नेपियर ग्रास में होता है? नेपियर ग्रास में होता है? होगा भाई, देखो नेपियर ग्रास में होगा. क्यों होगा? क्योंकि नेपियर है एक फॉर्डर क्रॉप. ठीक है, नेपियर ग्रास है एक फॉर्डर क्रॉप. फॉर्डर क्रॉप में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फूल, मतलब फूल तो नहीं चाहिए, पत्ते चाहिए. ठीक है ना, स्टेम चाहिए एनिमल्स के लिए. तो इसमें आप कर सकते हो. शुगर केन ओनली, हाँ ये भी होगा, लेकिन भाई हमारा यहां पे बताया है शुगर केन एंड नेपियर ग्रास. ठीक है, ये दोनों सही है, तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर. ओके, सो रेटोनिंग इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग अ मोनोकॉट क्रॉप बाय कटिंग मोस्ट ऑफ द अबव ग्राउंड पोर्शन. मैक्सिमम काट दिया जाता है, थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है. ठीक है, लिविंग द रूट्स एंड द ग्रोइंग शूट एपिसिस इंटैक्ट. मतलब जो भी शूट है उसका थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया जाता है और रूट छोड़ दिया जाता है, सो एज टू अलाउ द प्लांट्स टू रिकवर एंड प्रोड्यूस अ फ्रेश क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन. अगले सीजन में एकदम फ्रेश क्रॉप आता है, नया क्रॉप आता है. रेटोनिंग के फायदे क्या है भाई? जो नेक्स्ट प्लांट है ना, रेटून प्लांट है ना, रेटून क्रॉप जल्दी मैच्योर हो जाता है. क्या होता है? रेटून क्रॉप जल्दी मैच्योर हो जाता है. ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. शुगर केन के केस में फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बढ़ता है, फॉर्डर क्रॉप के केस में इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शुगर केन के केस में फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. वेरी गुड मॉर्निंग गुडिया, वेलकम टू द सेशन. नेक्स्ट नंबर फोर, बॉल शेडिंग इन कॉटन इज ड्यू टू डैश. कॉटन के बॉल्स होते हैं जो फटके कॉटन का फाइबर निकलता है. ठीक है, तो वो जो बॉल शेडिंग होता है, गिर जाता है या फिर टूट जाता है, वो किसकी वजह से होता है? प्लांट इज ओवरलोडेड विद बॉल्स, बहुत ज्यादा बॉल्स आ गए हैं. इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एबीए एब्सिसिक एसिड की वजह से, हैवी ड्रेसिंग ऑफ यूरिया, बहुत ज्यादा यूरिया अप्लाई करने की वजह से, इनसफिशियंट सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के वक्त बहुत ज्यादा सॉइल मॉइस्चर होने की वजह से, बोथ बी एंड डी, मतलब बोथ ए बी ए एंड इनसफिशियंट सॉइल मॉइस्चर. फोर ई, सो आंसर्स ऑलरेडी आ गए हैं तो मैं भी बता देता हूं. वेरी गुड, पहला आंसर किसका था भाई? सुमिति, वेरी गुड. ठीक है, सो देखो, एक तो एबीए के इनहिबिटर इफेक्ट, एबीए क्या करता है भाई? ग्रोथ इनहिबिट कर देता है. दूसरा है यहाँ पे इनसफिशियंट सॉइल मॉइस्चर, जिसके वजह से होता है वाटर स्ट्रेस या मॉइस्चर स्ट्रेस. ठीक है, गॉट इट गाइस. नेक्स्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एबीए या एब्सिसिक एसिड. Insufficient soil moisture during the reproductive growth in cotton promotes ball shedding. Water stress during early flowering cause shedding of squares. ठीक है, so ball और square दोनों का ही shedding देखने को मिलता है water stress में. Before they are flowered, while late stress at flowering reduces the rate of flowering and ball retention. ठीक है, अगर late stage में water stress देखने को मिलता है, तो जितने बच्चे कुछ ball हैं, वो भी गिर जाते हैं, plus आपका जो rate of flowering है, वो भी घट जाता है. क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि सारे के सारे flower एक दिन में आ जाते हैं, over the time आते हैं सारे flowers, right? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है, पूरा एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है, उसमें फ्लावर्स आते रहते हैं. ठीक है, तो वो जो रेट है ना, जो स्पीड है ना, वो कम हो जाता है, नंबर ऑफ फ्लावर्स कम हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर फाइव, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ शुगर केन सेट्स इज डन बिकॉज ऑफ डैश. ठीक है, शुगर केन के सेट का ना एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, गर्म पानी में डुबाया जाता है. भाई किस लिए किया जाता है? जर्मिनेशन इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस जर्मिनेशन, इट कंट्रोल्स सीड बॉर्न डिजीजेस. जो सेट की वजह, सेट के अंदर जो डिजीजेस होते हैं, उनको सही करने के लिए हेल्प करता है. इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी, इट प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इंटू ग्लूकोज या ओनली ए एंड बी. Answer.
क्या होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ शुगर केन, दो जगह पढ़ते हो आप इसे, एग्रोनॉमी में भी पढ़ते हो क्रॉप प्रोडक्शन में, पैथोलॉजी में या फिर फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो, ठीक है? तो गलती तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ई। देखो, जर्मिनेशन तो इंक्रीज करता ही करता है और ऊपर से जो सीड बॉर्न डिजीजेस हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जनरली सीड्स में भी किया जाता है इसी रीजन से, ठीक है? नेक्स्ट। सो ये एक सीड से, सीड क्या मतलब, शुगर केन के सीड को सेट किया जाता, सेट कहा जाता है ना, तो ये सेट ट्रीटमेंट डिवाइस है, ठीक है? SBI कोयम्बटोर में इसको इन्वेंट किया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज टू कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज। क्या करता है भाई, कैसे इंक्रीज करता है जर्मिनेशन? जब सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ग्लूकोज जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, जो कि सुक्रोज नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द हॉट वाटर ट्रीटमेंट कंट्रोल्स द क्लोरोटिक स्ट्रीक डिजीज, ठीक है? आपने देखा होगा पत्ती में हल्के हल्के से कहीं पे डार्क ग्रीन कलर, कहीं पे लाइट ग्रीन कलर, ऐसे हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्लोरोटिक स्ट्रीक, ठीक है? वेरी गुड संकेत। ओके, सो क्लोरोटिक स्ट्रीक डिजीज ऑफ द केन्स। ओके, नेक्स्ट। द मोस्ट सेंसिटिव स्टेजेस ऑफ सनफ्लावर टू वाटर स्ट्रेस लाई बिटवीन डैश, ठीक है? सनफ्लावर का मोस्ट सेंसिटिव स्टेज टू वाटर स्ट्रेस मतलब बेसिकली आपको क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज पूछ रहा है एक अलग ही तरीके से। आंसर कम ऑन, बिटवीन डैश, जर्मिनेशन एंड सीडलिंग, जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, सीडलिंग एंड फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग या फिर पॉड फिलिंग। क्या है भाई सनफ्लावर का क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज? बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द राइट आंसर इज फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग, ठीक है? फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग। ओके, नेक्स्ट। सो सनफ्लावर फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग, सनफ्लावर इज अ लार्ज एनुअल फॉर्म ऑफ द जीनस हेलियांथस। क्या है साइंटिफिक नेम? हेलियांथस एनस, ठीक है? हेलियांथस एनस है, ठीक है? फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस का टाइप क्या है? कॉम्पोजिटे। क्या है इन्फ्लोरेसेंस का टाइप? कॉम्पोजिटे। फैमिली क्या है? एस्टरेसी। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस के साथ याद रहेंगी, ठीक है ना? एक दिन में मुझे भी याद नहीं हुआ था, ना ही आपको एक दिन में याद हो जाएगा। धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना रिवाइज करते जाओगे, जितना रोज रीड करते जाओगे, रट्टा मारना छोड़ दो, रट्टा मारने का दिन गए, ठीक है? जितना रोज जितना पढ़ोगे, रोज जितना प्रैक्टिस करोगे ना, चीजें लॉन्ग रन में ज्यादा याद रहेंगी। लॉन्ग रन शॉर्ट रन याद है ना इकोनॉमिक्स में भाई, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन विच द प्रोडक्शन फैक्टर्स परफॉर्म एंड लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन विच द प्रोडक्शन फैक्टर्स परफॉर्म, ठीक है? शॉर्ट रन में हमारे पास क्या होते हैं? फिक्स्ड वेरिएबल होते हैं हमारे, सॉरी फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं या फिक्स्ड इनपुट होते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है? ये चीजें याद रखनी है। अगर याद नहीं है तो इकोनॉमिक्स का क्लास किया कीजिए सुबह 9 बजे फ्राइडे, ठीक है? सॉरी 10 बजे, 10 AM फ्राइडे। ओके, इकोनॉमिक्स वेडनेसडे 10 AM, सॉइल साइंस मंडे 10 AM, एग्रोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? क्लियर। नेक्स्ट, अ स्क्रीन व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेंपरेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज डैश। भाई एक ऐसा, ये इनमें से कौन सा डिवाइस है कुल मिला के जो एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर को मेजर करता है? आंसर फटाफट, क्लार्क स्क्रीन, सिमन स्क्रीन, थर्मोकपल, स्टीवेंसन स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन। थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्टी लेवल एक लेवल ज्यादा है इसका, क्योंकि ऑब्वियसली जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी नहीं होगा और शायद पता भी ना हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नंबर 7, शुभम, सीना, संकेत, सनी, अंकित, दामिनी, क्या होगा भाई आंसर? जितने नाम मुझे दिखे मैंने उतने नाम बता दिए, बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कम ऑन आंसर, 7 का डी, स्टीवेंसन स्क्रीन, एब्सोल्यूटली करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है? सो स्टीवेंसन स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट एग्रोमेटियोरोलॉजी का पार्ट है, जिसको आपको आपको पेड क्लासेस में हीना मैम कराएंगी, ठीक है? अ स्टीवेंसन स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट सेल्टर इज अ सेल्टर और एन एनक्लोजर टू मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट प्रेसिपिटेशन एंड डायरेक्ट हीट रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। मतलब ये बेसिकली टेम्परेचर नापता है, लेकिन बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लेता है, जिसमें ये एक बेसिकली एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर एयर सर्कुलेट, मतलब बाहर जैसा कंडीशन होता है इसके अंदर वैसा ही कंडीशन रेप्लिकेट होता है,
ठीक है, इसके अंदर ये ना ये एक असेंबली है आप कह सकते हो, मतलब दूसरे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके एक बड़ा सा मशीन बनाया गया है। इसके अंदर थर्मोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है प्रेशर नापने के लिए, आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, साइक्रोमीटर होता है, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स, बहुत ही ईजी है। दो बड़े बड़े क्रॉप्स, मतलब मान लो पैडी और वीट, ठीक है, चावल और गेहूं के बीच में अगर आप जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें कोई छोटा सा एक क्रॉप लगाते हो शॉर्ट ड्यूरेशन का, उसको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप, कैच क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, एफिमरल क्रॉप या कैमल क्रॉप, बताओ। कमॉन भाई, क्वेश्चन आंसर 10 सेकेंड यार बहुत है। ठीक है, या तो पता है या तो नहीं पता है, कुल मिला के कैच क्रॉप क्या कहते हैं, कैच क्रॉप। कैश क्रॉप क्या है, कैश क्रॉप वो क्रॉप है जिसको बेसिकली आप बेचने के लिए उगाते हो, आप खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं उगाते हो, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, जूट, ठीक है, ये सारे कैश क्रॉप है। कैच क्रॉप बेसिकली क्या करता है, दो जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना उसको कैच करता है सीजन के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका है कंपेनियन क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप बेसिकली यहां पे एक क्रॉप के साथ दूसरा क्रॉप लगाया जाता है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो होने में। एफिमरल क्रॉप जो टाइम से पहले अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं ताकि उनको जो वाटर स्ट्रेस वगैरह है वो फेस ना करना पड़े या फिर कोई भी स्ट्रेस फेस ना करना पड़े, स्पेशली डेजर्ट्स में यूज होते हैं। कैमल क्रॉप ये वो क्रॉप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रेजिस्टेंस होते हैं, स्ट्रेस में भी ये अच्छा खासा यील्ड देते हैं, जैसे कि सोरगम, ठीक है। नेक्स्ट, अ कैच क्रॉप इज अ फास्ट ग्रोइंग क्रॉप दैट इज ग्रोन बिटवीन सक्सेसिव प्लांटिंग्स ऑफ अ मेन क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, रेडिश दैट मैच्योर फ्रॉम सीड इन 25 to 30 days कैन बी ग्रोन बिटवीन रोज ऑफ मोस्ट वेजिटेबल्स, ठीक है, या फिर आप ब्लैक ग्राम ग्रो कर सकते हो 45 दिन वाले, ठीक है, 45 दिन, 30 दिन वाले भी है भाई, 36 days वाला भी है वेराइटी, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट वेराइटी है, 3 साल पहले मैंने खुद इसकी सोइंग भी की थी, ओके, नहीं 3 साल पहले नहीं यार, 5 साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्यूबर रिप्रेजेंट्स डैश, ट्यूबर क्या होता है, एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड रूट, एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम, एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड नोड्यूल्स, ग्रोइंग स्टेम या नन ऑफ दीस। श्री करके एक वेराइटी था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, गुंटूर नाम के डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, तो वो 45 डेज का एक वेराइटी था, एक था 36 आई गेस, 36 या 32, ठीक से मैं थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा है, सो दिस इज अबाउट 2015 की बात है यार, काफ़ी पुरानी बात हो गई, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो ये था श्री वेराइटी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वेराइटी था, ओके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का वेराइटी था, उस टाइम पे PAU का वेराइटी सबसे पॉपुलर था, बट स्टिल, ठीक है, स्टिल ये वाला वेराइटी भी काफी अच्छा था। आंसर, अ ट्यूबर रिप्रेजेंट्स डैश क्या है, तो आंसर आप लोगों ने दे दिया, वेरी गुड, एनलार्जेंट अंडरग्राउंड स्टेम, कभी रूट मत लिख के आ जाना, ठीक है, पोटैटो, ओके। सो ट्यूबर्स आर टाइप ऑफ एनलार्ज स्ट्रक्चर यूज्ड एज स्टोरेज ऑर्गन्स फॉर न्यूट्रिएंट्स इन सम प्लांट्स, दे आर यूज्ड फॉर द प्लांट्स पेरिनेशन टू प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर रीग्रोथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। देखो, अगर हम इसको, ये आलू है, आलू को अगर खाएंगे नहीं तो आलू को किस चीज के लिए यूज करेंगे, ऑब्वियसली प्रोपेगेशन के लिए यूज करेंगे, तो वो वही चीज बोल रहा है, ठीक है, कि अगर आप इसे कंज्यूम नहीं करोगे ना तो आप अगले सीजन में इसको प्रोपेगेशन के लिए यूज कर पाओगे, ठीक है। सो प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर रीग्रोथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन एंड एज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही तो है ये। अ वीड दैट स्प्रेड्स एस्थमा, ठीक है, सो अ वीड दैट स्प्रेड्स एस्थमा इज नोन एज डैश। सर, आपने एग्रीकल्चर कहाँ पढ़ा है? अक्षय, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है आचार्य एनजीरंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश थ्रू द ICAR एग्जाम, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, अगेन थ्रू ICAR एग्जाम, नेट क्वालिफाइड, PhD 2 बार क्वालिफाइड, और बस क्वालिफाइड लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी आई वॉज इन द जॉब, सो मैंने जॉब नहीं छोड़ा, ठीक है, मैंने PhD किया नहीं, बाकी एग्जाम हर साल क्वालिफाई कर लेता हूँ शौक के लिए। कम ऑन, अ वीड दैट स्प्रेड्स एस्थमा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पार्थेनियम,
पार्थिनियम, ठीक है, पार्थिनियम, ठीक है ना, याद रखना है भाई। आपने पता नहीं, मेरे ख्याल से कॉलेज में बहुत जगह पोस्टर देखे होंगे, मतलब हमारे कॉलेज में तो था कि पार्थिनियम को कैसे प्रोहिबिट करें, क्या करें। मैंने अपने यूजी के कॉलेज में देखा था, अपने पीजी के कॉलेज में देखा था, हर जगह देखा था, ठीक है। पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, ओके। द डेट्रीमेंटल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पार्थिनियम वीड आर एट्रीब्यूटेड टू द सेस्क्विटरपीन लैक्टोन्स एंड इन पर्टिकुलर पार्थिनिन, ये याद रखना है लैक्टोन्स का नाम, ठीक है, इन द प्लांट विच आर टॉक्सिक टू फार्म एनिमल्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक डिजीजेस। हाथों में ना जो अगर आप पार्थिनियम को टच करोगे, ठीक है, तो हाथों में ना व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, रेडिश व्हाइट कलर के रैशेस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अरे 11, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट द मेजर फंक्शन ऑफ इंटर रो टिलेज, ठीक है, जब आप रोज के बीच में टिलेज करते हो उसका मेन फंक्शन क्या है, क्यों किया जाता है? मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सॉयल मल्चिंग, सॉयल मल्चिंग होता है जिसकी वजह से मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है। इंप्रूव सॉयल एरेशन, सॉयल में एरेशन इंप्रूव करता है। इंप्रूव सॉयल ग्रैन्यूलेशन, सॉयल में ग्रैन्यूल्स इंप्रूव करता है। मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू वीड डिस्ट्रक्शन या ऑल ऑफ द अबव, आंसर कम ऑन। ऑल ऑफ द अबव, सो काजल का आंसर ऑलरेडी आ गया है, ऑल ऑफ द अबव, द राइट आंसर इज मॉइस्चर। यार एक बात, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा, देखो ये मुझे बताओ, दो प्लांट के रोज हैं, ठीक है, दो प्लांट के रोज हैं, उनके बीच जब आप प्लाविंग करते हो तो मल्चिंग कैसे होता है भाई, कैसे होता है मल्चिंग? डस्ट मल्चिंग होगा, लेकिन डस्ट मल्चिंग से उतना ज्यादा मॉइस्चर कंजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है, और प्लॉविंग करने से डस्ट मल्चिंग नहीं होगा। डस्ट मल्चिंग तब होगा जब आप सॉइल को लिटरली खरोचोगे हल्का हल्का, प्लॉविंग करोगे फिर तो पूरा सॉइल पलट गया ना, ठीक है, तो मल्चिंग एग्जैक्टली नहीं होगा, तो वहीं पे आपका ई कट गया। क्या सॉइल एरेशन इंप्रूव होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है, होता है। क्या सॉइल ग्रैनुलेशन इंप्रूव होता है? हाँ एक हद तक होता है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता है बी एंड सी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्या करना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डस्ट मल्चिंग या सॉयल मल्चिंग को एक इफेक्टिव मल्चिंग के रूप में नहीं माना जाता है, ठीक है, नहीं माना जाता है, ओके। सो मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू वीड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो हम जब वीड को मार देंगे, हम क्या करेंगे, वीड को मार देंगे तो क्या होगा भाई, जो कंपटीशन हो रहा था ना पानी के लिए वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जो पानी के लिए कंपटीशन हो रहा था वो नहीं होगा। लूजनिंग द सॉयल बिटवीन रोज ऑफ प्लांट्स इज अ मेथड ऑफ सॉयल मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्लांट्स पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो इंटर, लेकिन अगर आपको नॉर्मली पूछे, ठीक है, अगर आपको नॉर्मली पूछे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका काम में आएगा। अगर आपको नॉर्मली पूछेगा कि भाई इंटरटिलेज क्यों किया जाता है, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या आंसर लगाओगे? अगर मान लो मॉडर्न कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होगा, ये मेजर फंक्शन कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस पूछा जाएगा व्हाई इंटर रोइंग इज डन, व्हाई इंटर रो टिलेज इज डन, डस्ट मल्चिंग क्या होता है बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए व्हाई इंटर रोइंग टिलेज इज डन, क्या लिखोगे आंसर बताओ फटाफट, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आपका मिल गया, व्हाई इंटर रो टिलेज इज डन, कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कोई मेजर फंक्शन, कुछ नहीं होगा क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा? सर एग्रीकल्चर जॉब्स में बॉडी पर टैटूज की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? यार ज्यादा एक्सपीरियंस पता तो नहीं है मुझे, लेकिन शायद यार कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, आंसर होगा ई, ठीक है, आंसर होगा ई यहां पर, गॉट इट गाइस, ओके। अच्छा डस्ट मल्च क्या होता है, ठीक है, सनी पूछ रहे हैं डस्ट मल्च क्या होता है, तो सुनो, सॉयल है, ठीक है, सॉइल में जो पानी इवेपोरेशन होता है या फिर पानी ऊपर नीचे होता है वो कैसे होता है? थ्रू कैपिलरी एक्शन, कैसे होता है? थ्रू कैपिलरी एक्शन, राइट। जब ये कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी ऊपर जाता है, पानी मतलब नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन कैसे होता है? जब आपके सॉइल कनेक्टेड है, आप अगर सॉइल को डिस्टर्ब कर दोगे, ये आपका सॉइल का सर्फेस है, आपने लिटरली सॉइल को खरोच दिया, ठीक है, तो सॉइल को खरोचने की वजह से होगा क्या कि बेसिकली आपका जो यहां पर सॉइल है वो डिसरप्ट हो गया, उसका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया, जिसकी वजह से अब वो उतना अच्छे से यहां पर इवेपोरेशन वगैरह नहीं होगा, जिसके वजह से क्या नहीं होगा, सॉइल में मॉइस्चर लॉस नहीं होगा,
तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल को लिटरली जो छोटे छोटे खुरपी नहीं होते हैं उससे बस सॉइल को ऐसे डिस्टर्ब करना है, सॉइल का ऊपर वाला लेयर लूज हो जाएगा, एक डस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां पर उसको उसके वजह से सॉइल कंजर्व मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा. गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट. With too much application of nitrogenous fertilizer, sugar content in juice of sugarcane will dash. ठीक है, nitrogenous fertilizer के बहुत ज्यादा application की वजह से sugarcane में जो juice content है वो क्या होता है, decrease, increase, constant, crystallize, can't predict. With too much application of nitrogenous fertilizer, sugar content in juice of sugarcane will dash. कम ऑन, आंसर 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 भाई. अगर सेशन अच्छा लग रहा है ठीक है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा. ठीक है, यस, वेरी गुड, द राइट आंसर इज डिक्रीज. बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे तो सुगर का जो कंटेंट है, जो सुक्रोज का कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एक्सेसिव नाइट्रोजन एप्लीकेशन विल रिड्यूस द शुगर केन जूस क्वालिटी. एजोटोबैक्टर स्पीसीज फिक्सेस नाइट्रोजन इन डैश. भाई एजोटोबैक्टर स्पीसीज को कौन से क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है? बहुत सारे अलग अलग हैं, एजोटोबैक्टर हैं, एजोस्पिरिलम है. ठीक है, सो एज सिम्बायोट्स इन राइस, एज सिम्बायोट्स इन लेग्यूम, इन फ्री सॉयल, ऑल ऑफ द अबव. आंसर, कम ऑन. बताओ. सो द राइट आंसर हियर, एजोटोबैक्टर स्पीसीज फिक्सेस नाइट्रोजन इन डैश, आंसर इज डी, इन फ्री सॉइल. ठीक है, इन फ्री सॉइल. भाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है इसका. ठीक है, फ्री सॉइल में. ओके, पैडी में पढ़ा होगा आपने, वीड में भी पढ़ा होगा, एजोटोबैक्टर स्पीसीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन कॉन्ट्रास्ट टू राइजोबियम स्पीसीज. दे नॉर्मली फिक्स मॉलिकुलर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर. उनको कोई एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती है. विदाउट सिम्बायोटिक रिलेशंस विद प्लांट्स, ऑल दो सम एजोटोबैक्टर स्पीसीज आर एसोसिएटेड विद प्लांट्स, लेकिन जनरली कोई मतलब एसोसिएशन नहीं होता है. By which of the following method of raising seedlings of rice we can get the ready seedling in early time? ठीक है, इनमें से कौन से method में जिसमें आप rice के लिए seedlings raise करते हो, हम क्या कर सकते हैं time से पहले seedling generate कर पाएंगे. मतलब basically ये पूछ रहा है भाई traditional method के comparison में कौन सा method है जिसमें आपको seedling जल्दी मिल जाएगा. अब फटाफट बताओ. सर हमको AFO की preparation करनी है, कैसे करें? साले नहीं, पढ़ाई चालू करना है. ठीक है, सिंपल आंसर है भाई, पढ़ाई चालू करो, जनरल एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से स्टार्ट करो. ठीक है, आप अगर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर आए हो तो मैं बता देता हूँ, 8:30 बजे सुबह क्लास स्टार्ट होती है हॉर्टिकल्चर की, 9 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है एग्रीकल्चर की, 10 बजे 11 बजे 2 घंटे आपको 6 दिन में 12 सब्जेक्ट मिलते हैं पढ़ने को. मैं 3 दिन पढ़ाता हूँ, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, एग्रोनॉमी सॉइल साइंस इकोनॉमिक्स. ठीक है, बाकी टाइम पे आपको बाकी क्लासेस मिलते हैं. शाम को हरियाणा आईडीओ के क्लासेस होंगे 2 से 4 एफसी. आपको एफओ की तैयारी करनी है ना, आप 8:30 बजे से 12 बजे की क्लास रोज देखा करो. ठीक है, इतना आपके लिए सफिशियंट होना चाहिए. इसके बाद अगर आप पेड बैच में ज्वाइन करोगे जो कि अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, वरना आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, चलो कम ऑन. सो क्या है आंसर भाई? डेपोग मेथड. आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, डेपोग मेथड. वेरी गुड. अगर डेपोग मेथड में आपको एक कोई ऑप्शन दे तो आंसर होगा 12 डेज आफ्टर सोइंग, और अगर आपको रेंज दे मतलब 10 से 12 11 से 14 ठीक है, तो उसके केस में आपको यहां पे क्या करना है, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, 10 to 12, 11 to 14, दोनों में से कोई भी आएगा, हो सकता है कोई गलती नहीं होगा, दोनों नहीं आएगा एग्जाम में, टेंशन मत लेना. ठीक है, हमको 2024 में देना है. हाँ, तो सालिनी रोज 8:30 बजे से लेके 12 बजे तक क्लास करना है. आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से क्लास करो. आप बैच में भी जुड़ सकते हो. ठीक है, आप अगर 2024 में दोगे तो अभी आप जनरल बैच में जुड़ सकते हो, और अगले साल जो फाउंडेशन बैच आएगा आप उसमें भी जुड़ सकते हो. ठीक है, आपके लिए बेस्ट होगा कि आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर लो, ताकि जब तक आप 2024 तक एग्जाम दोगे ना,
ठीक है, जब डबल वैलिडिटी आएगी तब करना, अभी मत करना आप, ठीक है, जब डबल वैलिडिटी आएगी तब एग्रीकल्चर महापैक में आप एनरोल करना, ताकि आप जो है अपने एग्जाम तक सारे बैचेस सारे क्लासेस कर सको, ठीक है। नेक्स्ट, सो डेपोक मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी कंसिस्ट्स ऑफ ग्रोइंग सीडलिंग्स ऑन कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट फ्लोर और रेज्ड सॉइल बेड कवर विथ पॉलिथीन शीट। पॉलिथीन शीट के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा लीव्स वगैरह डाल के एक सॉइल बेड बनाते हैं, ठीक है सर, मुझे भी 2024 में देना है, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, एफसीआई का कोई कोर्स है क्या? जी हाँ पीयूष, एफसीआई AG3 टेक्निकल का कोर्स है। सिंपली एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाइए, कैटेगरी में एफसीआई AG3 में जाइए, वहां पे AG3 टेक्निकल दिख जाएगा, कोड Y291 यूज कीजिएगा, और कोर्स का प्राइस एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट 4000 का है, स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर से। ओके तो ये होता है आपका डेपोग मेथड ऑफ सीडलिंग, इसको हम मैट मैट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैट नर्सरी कहते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि मैट होते हैं, ठीक है, पॉलिथीन शीट होता है, उसके ऊपर थोड़ा सीड, थोड़ा सॉरी थोड़ा सॉयल, थोड़ा लीव्स वगैरह डाल के एक मैट तैयार किया जाता है, उस पे सीड सीडलिंग्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 में देंगे, ठीक है, आप अभी YouTube क्लास करो, ठीक है, आपको YouTube क्लास अगर अच्छे लगते हैं तो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर लो। बेसिकली अगले 12 महीने की वैलिडिटी तक आपको सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, कुछ भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा जब तक आपका वैलिडिटी खत्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉप लॉजिंग रेफर्स टू सरफेस डैश। भाई क्रॉप लॉजिंग क्या होता है, ठीक है, सरफेस फॉलिंग ऑफ द प्लांट्स हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, प्लांट आपका गिर जाता है, कटिंग ऑफ ट्री क्रॉप्स इनटू ग्राउंड्स, रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक क्या क्या होता है उसका रिकॉर्ड रखना, डिटरमिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द प्लांट, आपका प्लांट का न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, या ऑल ऑफ द अबव, बहुत ही इजी है, ऑलरेडी आप लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, ठीक है। और किसकी वजह से होता है भाई? विंड की वजह से, वाटर की वजह से, क्या होता है? वॉटर लॉगिंग होता है, क्या होता है? वॉटर लॉगिंग होता है, क्लियर। नेक्स्ट, सो ये देखो कैसे प्लांट देख रहे हो गिर गए हैं सारे के सारे हवा की वजह से। लॉजिंग इज द बेंडिंग ओवर द स्टेम्स नियर ग्राउंड लेवल ऑफ ग्रेन क्रॉप्स विच मेक्स देम वेरी डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट एंड कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस द यील्ड, यील्ड कम हो जाता है, प्लस यहां पे टूट भी जाते हैं प्लांट, और जनरली हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री कलेक्टिवली इज नोन एज डैश। भाई अगर आप पशुपालन करोगे और साथ ही साथ खेती करोगे तो इसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग, रिले फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, कंबाइन फार्मिंग, नन ऑफ द अबव। आंसर 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 कम ऑन। क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री कलेक्टिवली इज नोन एज डैश। देखो So, जब आप दोनों को साथ में करते हो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मैं क्रॉपिंग लिखने वाला था, सॉरी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया ना, आप लोग मेरी तरह गलती मत कीजिएगा, एग्जाम में बिना ध्यान दिए मिक्स्ड क्रॉपिंग लगा के आ गए। द राइट आंसर इज मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, नॉट कंबाइंड फार्मिंग बोनी, इट इज मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, सो मिक्स्ड फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज द रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डैश। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? द एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ लैंड फॉर पर्पसेस अदर देन क्रॉपिंग, ठीक है। सो आप किस तरह से लैंड को यूज करते हो, ओके, अलग अलग पर्पस के लिए क्रॉपिंग के अलावा। एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ लैंड फॉर क्रॉपिंग पर्पसेस ड्यूरिंग ए गिवन ईयर, भाई क्रॉपिंग के लिए, खेती के लिए आप कितना लैंड यूज कर रहे हो, नेट क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, या कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड डी, सोच समझ के आंसर देना। लास्ट टाइम ये रॉन्ग हुआ था मेरा। अंजलि, कंबाइन फार्मिंग मैंने ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है, कुछ है नहीं वैसे, मिक्स्ड फार्मिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, ओके, कंबाइन फार्मिंग कुछ नहीं है, डोंट वरी। कमऑन 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 गाइज, यहां गलती होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। द राइट आंसर हियर इज, ऑलरेडी आप लोगों के आंसर आ गए हैं, ई, ओ आपने फॉर्मूला डाल दिया, नहीं मैंने स्टेटमेंट पूछा है। देखो, एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ लैंड फॉर पर्पसेस अदर देन क्रॉपिंग, जी नहीं, एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ लैंड फॉर क्रॉपिंग पर्पसेस, यस, आप अपने लैंड को कितना यूज कर रहे हो खेती के लिए, वो होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अच्छा, आपने नेट क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय, आपने ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100 वाला लगा दिया है,
ना 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 ऐसा नहीं होगा, ठीक है बी ओके नेक्स्ट. क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस एरिया सोन टू द नेट एरिया सोन. ठीक है आपने ये वाला फॉर्मूला सोच के डी ई लगा दिया. वैसे यार ऐसे मैं देखूं तो गलत तो नहीं होगा, ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड डी, पर बात यह कि कैसे कंबाइन कर रहे हो. अगर लिखा होता कि डिवाइड करो एक दूसरे से तो समझ में आता, कंबाइन कैसे कर रहे हो मतलब बेसिकली स्टेटमेंट क्लियर नहीं है. ठीक है स्टेटमेंट क्लियर नहीं है उसके, और अगर ये नहीं होता तो अलग बात है भाई. अगर हमारे पास एक क्लियर स्टेटमेंट है तो फिर हम ये क्यों करें, राइट. ये थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं जो ऑप्शंस में इधर उधर हो जाते हैं ना, थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं. ठीक है डीप प्लाउइंग ऑफ सॉइल इन अ ग्राउंडनट फील्ड शुड नॉर्मली बी अवॉइडेड बिकॉज इट डैश मेक्स हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट. भाई ग्राउंडनट फील्ड में डीप प्लाउइंग क्यों नहीं करना चाहिए. मेक्स हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट, मेक्स पेगिंग डिफिकल्ट इन अपर लेयर्स, डिलेस जर्मिनेशन, डिलेस पेगिंग एंड पॉट डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव. पेगिंग के बारे में मैंने बहुत अच्छे से अभी 9:30 वाले सेशन में समझाया था, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन वाले सेशन में. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए. ठीक है कम ऑन देखो. ग्राउंडनट में डीप प्लाउइंग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट हो जाता है. अब आप बोलोगे सर कैसे होगा हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट. अच्छा ग्राउंडनट जनरली सैंडी सॉइल या लोमी सैंडी लोमी सैंड में किया जाता है. ठीक है अगर आप डीप प्लाउइंग कर दोगे तो होगा क्या, ग्राउंडनट में होता है पेगिंग. जो ग्राउंडनट के पेग्स होते हैं वो सॉइल के नीचे जाते हैं. ठीक है अच्छा ये जितना आप डीप प्लाउइंग करोगे ये उतना ज्यादा इजी हो जाएगा इसके लिए एंटर करना, ये उतना अंदर जाएगा, ये जितना अंदर जाएगा इसको उखाड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है सो इसलिए डीप प्लाउइंग नहीं किया जाता है. 9:30 को मैं एक इंफॉर्मेटिव सेशन लाता हूं. आज मैंने किया था क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स लेके उसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है अगली बार मैं कुछ और लेके आऊंगा. ठीक है कल जैसे है FCI से रिलेटेड एक सेशन है 9:30. मैं रोज 9:30 9:30 रोज सेशन करता हूं. ठीक है आप 9:00 करंट अफेयर, 9:30 एक इंफॉर्मेटिव सेशन, 10:00 हफ्ते में 3 दिन, 2:00 हफ्ते में 3 दिन, ठीक है 6:00 हफ्ते में 3 दिन ओके. और बाकी लेकिन उस टाइम पे आपको क्लास रोज मिलेगा, अलग अलग टीचर्स आपको क्लास देंगे. ठीक है अब आते हैं भाई. डीप प्लाविंग इज अ प्लॉइंग टू अ डेप्थ ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर डीप प्लाविंग एग्जैक्टली होता क्या है. 50 सेंटीमीटर से नीचे तक अगर आप प्लाविंग कर रहे हो या हल चला रहे हो उसको हम डीप प्लाविंग कहते हैं ओके. और ऑर्डिनरी प्लाविंग आपका 20 सेंटीमीटर तक का होता है. ठीक है पर्पस ऑफ डीप प्लाविंग इज टू मॉडिफाई द सॉइल वाटर रिटेंशन कैरेक्टरिस्टिक. जितना ज्यादा डीप प्लाविंग करोगे सॉइल वाटर रिटेंशन या सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है नेक्स्ट. डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इज मे इन मेज कॉजेज डैश. ठीक है सो नाइट्रोजन में जो डेफिशिएंसी, जो मेज में जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वो जनरली किसकी वजह से होता है. येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स फ्रॉम टिप टू बेस इन वी शेप्ड पैटर्न, क्लोरोटिक स्पॉट्स एट बेस ऑफ लीव्स नियर द मार्जिन्स, येलो स्ट्रिकिंग ऑफ लीफ एजेस, व्हाइटिश स्पॉट ऑन लीव्स. ठीक है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से मेज में क्या होता है. हाँ यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैंने लाइव लिया था, ऑलरेडी अपलोड हो गया होगा. लाइव लेता हूं मैं, अपलोड थोड़ी होता है. वेरी गुड. जो पुराने लीव्स होते हैं ना नीचे की तरफ होते हैं प्लांट में वो येल्लो होते हैं. ठीक है जो टिप से लेके बेस तक है उसमें, और ये वी शेप्ड के पैटर्न में जनरली देखने को मिलते हैं ओके. अफेक्टेड प्लांट्स सो स्पिंडली, स्पिंडली मतलब कुछ इस तरह का रहता है. ठीक है स्पिंडली स्पार्स ग्रोथ ऑन द ओल्डर लीव्स, वी शेप्ड येलोविंग ऑन द लीफ टिप्स प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द बेस सो दैट द लीव्स फाइनली टर्न यूनिफॉर्मली पेल ग्रीन और येल्लो. स्टॉक्स गेट अ रेडिश डिस्कलरेशन, जो स्टेम होता है ना उसमें रेडिश कलर का डिस्कलरेशन होता है. ओल्डेस्ट लीव्स ऑन द बॉटम बिकम नार्कोटिक. ठीक है जो ओल्डेस्ट लीव्स होते हैं ना बॉटम प्लेस बॉटम में वो नार्कोटिक हो जाते हैं मतलब मरने लगते हैं. इसका आंसर दीजिए भाई फटाफट.
ओके सो डेफिशिएंसी सिम्टम ऑन एपिकल बर्ड्स. एपिकल बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स सबसे ऊपर होते हैं, एपेक्स पे होते हैं, उसको एपिकल बर्ड्स कहते हैं. वो है आंसर बोरॉन. ठीक है, बोरॉन डेफिशिएंट ट्रीज यूजुअली एग्जिबिट टू की विजिबल सिम्टम्स, डिप्रेशन ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स जो कि रूट टिप वगैरह है. ठीक है, सो जो भी आपके ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उसमें डिप्रेशन आता है वो कम होता है, और डिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्गेन्स, जैसे कि आपका रूट हो गया, शूट हो गया, वो डिफॉर्म हो जाते हैं, जैसे होने चाहिए वैसे होते नहीं है. ओके, डीलिंटिंग ऑफ कॉटन हेल्प्स इन डैश. कॉटन के डीलिंटिंग में जनरली डीलिंटिंग जो कॉटन में डीलिंटिंग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करके, बेसिकली वो किस चीज में मदद करता है, कॉटन के सीड पर ना थोड़ा थोड़ा जो है लिंट या कॉटन फाइबर लगा हुआ रहता है, उसको हटाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करके. वो किस लिए किया जाता है? सीड के ग्रेडिंग के लिए, किलिंग ऑफ हाइबरनेटिंग बॉल वर्म लार्वा एंड पैथोजन, क्विकर जर्मिनेशन, ओनली ए एंड सी या ऑल ऑफ द एबव. इजी क्वेश्चन है, कम ऑन, क्या होगा? डीलिंटिंग ऑफ कॉटन हेल्प्स इन डैश. देखो, वेरी गुड, वेरी गुड, द राइट आंसर इज सी. ठीक है, क्विकर जर्मिन, ओके, हाँ, क्विकर जर्मिनेशन. अब गाइस थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है अब मैं बताता हूं. ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि कॉटन में डीलिंटिंग क्यों किया जाता है. ठीक है, कॉटन में डीलिंटिंग किया जाता है यहां पर जर्मिनेशन को बेटर बनाने के लिए. लेकिन अभी मैं भी यहां पे ऑल ऑफ दिस लगाने वाला था. ठीक है, मैं भी ऑल ऑफ दिस लगाने वाला था. क्यों लगाने वाला था? क्योंकि जनरली जब एग्जाम में क्वेश्चन डीलिंटिंग से रिलेटेड आता है तो एक और क्वेश्चन आता है, HCl ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन. ठीक है, अब डीलिंटिंग दो तरह से आप कर सकते हो. आप जितना पॉसिबल हो सके हाथ से निकाल सकते हो, या फिर आप HCl ट्रीटमेंट कर सकते हो. जनरली HCl ट्रीटमेंट किया जाता है. जब HCl ट्रीटमेंट किया जाएगा, जब आपका H2SO4 ट्रीटमेंट किया जाएगा, मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूं, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था. ठीक है, जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है, वो आपका ग्रेडिंग के लिए रहेगा. ठीक है, किलिंग ऑफ हाइबरनेटिंग सीड्स के लिए रहेगा. और सिर्फ डीलिंटिंग की अगर मैं बात करूं, तो सी नहीं होगा यहां पे, ये डी होगा. ठीक है, ओनली ए एंड सी. अगर मैं सिर्फ डीलिंटिंग की बात करूं तो ग्रेडिंग में हेल्प करेगा और क्विकर जर्मिनेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, अब ये डीलिंटिंग कैसे भी हो सकता है, ओके, लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप यूज करोगे तो ये वाला बी भी सही हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा ओनली ए एंड सी. ओके, सो डीलिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फज फ्रॉम द सीड कोट इन कॉटन. ठीक है, बाय क्रॉप स्पेसिफिक सीड मैनेजमेंट टेक्निक. अगर आप HCl यूज कर रहे हो, सॉरी बार बार HCl आ रहा है दिमाग में, H2SO4 यूज कर रहे हो, तो फिर आपका जो भी यहां पर हाइबरनेटिंग सीड्स में जो हाइबरनेटिंग पेस्ट या इंसेक्ट डिजीजेस होते हैं ना, वो भी मर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन पैडी फील्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग अमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू डैश. पैडी में डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, नाइट्रोजन का लॉस होता है. हम उसको कैसे रोकेंगे? अगर आपके पास अमोनियम फर्टिलाइजर है, तो हमें किस जोन में अप्लाई करना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, कैल्सिफाइड, हाइड्रोनाइज्ड जोन, या फिर कंबाइंड जोन? 22B रिड्यूस्ड जोन, वेरी गुड. ठीक है, और अगर आपके पास नाइट्रेट फर्टिलाइजर है तो NO3 फॉर्म में अगर फर्टिलाइजर है तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर मेरे पास अमोनियम फॉर्म में फर्टिलाइजर है ही नहीं, मेरे पास नाइट्रेट फॉर्म में फर्टिलाइजर है, क्या करोगे? आंसर, आप बोलोगे मेरे पास अमोनियम फॉर्म में फर्टिलाइजर है ही नहीं, मेरे पास नाइट्रेट के फॉर्म में फर्टिलाइजर है. सो क्या करोगे यहां पे? कौन से जोन में इनकॉर्पोरेट करोगे फर्टिलाइजर को? वेरी गुड, यहां पर आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड जोन. ठीक है, अब इसका रीजन बता देता हूं मैं क्या है, देखो जरा. हाँ, बहुत बढ़िया, पिक्चर के साथ है यहाँ पे. देखो, आपका जो पैडी है ना, ये एक सबमर्स्ड क्रॉप है. क्या है ये? ये एक सबमर्स्ड क्रॉप है, या फिर सेमी एक्वाटिक क्रॉप है. ये हमेशा पानी के नीचे रहता है. जो ये देख रहे हो, ये इतना इसका पानी जो है मेंटेन है. पानी कितना मेंटेन होता है? 5 mm to 10 mm का पानी मेंटेन होता है.
कितना एमएम, कितना मेंटेन होता है, 5 to 10 mm. तो ये जो 5 to 10 mm का लेयर है, या फिर मैं कह सकता हूं 1 से 10 mm का है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज जोन. क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज जोन. यहां से जो नीचे है ना, इसको हम कहते हैं रिड्यूस जोन. अब रिड्यूस जोन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिड्यूस जोन में अगर आप ऑक्सीजन डालोगे तो रिड्यूस जोन ऑक्सीजन का भूगा होता है. क्या होता है? रिड्यूस जोन ऑक्सीजन का भूगा होता है. अगर आप NO3 डालोगे इसमें तो फटाफट ये ऑक्सीजन को ले लेगा और नाइट्रोजन को हवा में छोड़ देगा. तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर को रिड्यूस जोन में नहीं डालना चाहिए. कहां डालोगे? यही ऊपर डालोगे ऑक्सीडाइज जोन में. तो रिड्यूस जोन में क्या डालोगे? NH4. अब NH4 में तो हाइड्रोजन है, अब रिड्यूस जोन में हाइड्रोजन थोड़े रिमूव होगा. क्लियर? ओके भाई, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दो, एक शेयर जरूर कर दो. ठीक है, लोअर जोन इज नोन एज द रिड्यूस जोन. जो नीचे वाला जोन होता है उसको हम रिड्यूस जोन कहते हैं, ये वाला जोन को. व्हेन अ सॉइल इज फ्लडेड. और क्या ये कंडीशन सिर्फ पैडी में देखने को मिलता है? ये कंडीशन हर वो सॉइल में देखने को मिलता है जिसके ऊपर पानी जमा हुआ है. ठीक है, पानी जहां जमा हुआ है उसको वहां पर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड जोन का कंडीशन देखने को मिलता है. व्हेन अ सॉइल इज फ्लडेड द नाइट्रोजन इन द इनकॉर्पोरेटेड प्लांट रेसिड्यूज इज चेंज्ड टू द अमोनियम फॉर्म NH4 व्हिच इज स्टेबल अंडर फ्लडेड कंडीशंस एंड विल लेटर बी यूज्ड बाय ग्रोइंग राइस प्लांट्स. ठीक है, नेक्स्ट. डोडार इज अ सीरियस वीड ऑफ डैश. डोडार कह लो. ठीक है, इज ए सीरियस वीड ऑफ. कौन से क्रॉप में वीड देखने को मिलता है? बरसीम, ल्यूसन, ओट्स, कसनी, ऑल ऑफ द अबव. आंसर, डोडर इज अ सीरियस वीड ऑफ डैश. बरसीम, ल्यूसन, ओट्स, कसनी, ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर हियर इज बी, ल्यूसन. क्या होगा? ल्यूसन इज द राइट आंसर. कसकटा कॉमनली नोन एज डोडर और अमरबेल इस जीनस ऑफ ओवर 201 स्पीसीज ऑफ येलो, ऑरेंज और रेड पैरासिटिक प्लांट्स. ठीक है, दूसरे प्लांट्स पे ये फीड करते हैं. अंजलि, वीड का क्लास लेंगे आकाश सर. ठीक है, मैं तो थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं. पहले मैं ही लेता था, पर अब आकाश सर वीड साइंस पढ़ाएंगे तो वीड का क्लास आकाश सर लेंगे डिटेल में, डोंट वरी. ठीक है, फॉर्मरली ट्रीटेड एज द ओनली जीनस इन द फैमिली कस्केटेसी. ठीक है, इट नाउ इज एक्सेप्टेड एज बिलोंगिंग इन द मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली कन्वोल्वुलेसी. कस्कटा पहले कस्केटेसी फैमिली में आता था, अब इसको हटा दिया गया है और जो कन्वोल्वुलेसी फैमिली है ना उसमें ऐड कर दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम नीड्स इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, कौन से सिस्टम में साल भर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है? देयर आर लैंड क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम या डबल क्रॉपिंग सिस्टम. कौन से इरिगेशन में साल भर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है? द राइट आंसर इज सी, आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम. क्यों? क्योंकि देखो, अलग अलग टाइप के क्रॉप होते हैं और अलग अलग टाइम इनका रहता है. मिक्स्ड क्रॉपिंग में कभी भी आपका अगर ए और बी दो क्रॉप है, इनका इरिगेशन टाइम कभी भी एक नहीं होना चाहिए, हमेशा अलग अलग होना चाहिए. अलग अलग होने की वजह से साल भर इरिगेशन की जरूरत इन्हें पड़ती है. मिक्स्ड क्रॉपिंग इंक्लूडिंग इंटर क्रॉपिंग. एक सेकेंड, मैंने इंटर क्रॉपिंग दिया. ओके, ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग. अब ठीक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग में मिक्स्ड और इंटर क्रॉपिंग दोनों आ जाएंगे. ठीक है, ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग में मिक्स्ड और इंटर क्रॉपिंग दोनों आ जाएंगे. ठीक है, तो आंसर इसके हिसाब से डी हो जाएगा. सो मिक्स्ड क्रॉपिंग इंक्लूडिंग इंटर क्रॉपिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टमेटाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ टू और मोर स्पीसीज ऑफ कल्टीवार्स ऑफ द सेम स्पीसीज साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड. फॉर फाइबर purposes, जूट क्रॉप may be harvested at dash time. देखो, जूट में ना एक तो आपको फाइबर purpose है, purpose फाइबर ही रहेगा, लेकिन आप अगली बार sowing करोगे इसके लिए आपको proper seed भी चाहिए. ठीक है, तो जूट क्रॉप में फाइबर पर्पस के लिए कब हार्वेस्ट करना चाहिए? आफ्टर पॉड फॉर्मेशन, आफ्टर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग, बिफोर पॉड फॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव. आंसर, कम ऑन, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दो. मुझे पता है आप लोगों का जो स्टेमिना है ना वो इतना ही है. आप 25 क्वेश्चन के बाद अगर मैं 26वां भी कराया ना, आप बोलोगे सर बहुत हो गया, हम जा रहे हैं.
सी बिफोर फ्लावरिंग. लेकिन 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 अगर आपको अगले अगले साल के लिए सीड चाहिए तो क्या करोगे? आफ्टर पॉड फॉर्मेशन. ठीक है, आइडियल कंडीशन है बिफोर फ्लावरिंग, लेकिन अगर आपको सीड चाहिए तो आफ्टर पॉड फॉर्मेशन. ठीक है, सो ये जूट प्लांट है, रेटिंग होता है, रेटिंग के बाद ये ड्राइंग होता है. ठीक है, जूट इज अ बास्ट फाइबर क्रॉप. बास्ट फाइबर क्रॉप मतलब स्टेम फाइबर क्रॉप एंड कैन बी हार्वेस्टेड एट एनी आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, यूजुअली बिटवीन 100 to 150 days. ठीक है, गॉट इट गाइस. बिफोर फ्लावरिंग सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, आपको अगर सीड चाहिए तो आफ्टर पॉड फॉर्मेशन. इसी के साथ आपका आज का क्लास होता है कंप्लीट. अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए, भाई आपको तैयारी करना है तो एग्रीकल्चर महापैक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी, आईबीपीएस एएफओ मिलेगा, नाबार्ड मिलेगा, हरियाणा एडीओ मिलेगा, एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लासेस टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एफएसएस एआई मिलेगा, एफसीआई टेक्निकल के क्लासेस भी मिलेंगे. एनरोल करते वक्त Y291 का कोड यूज करना है. यहां पर 7360 दिखा रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन में 7030 में आपको मिल जाएगा. एक बार आपको दिखा देता हूं, सिंपली adda247.com पे जाके एग्री महापैक सर्च करना है. जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहां बाय नाउ पे जाना है और कोड यूज करना है Y291 अप्लाई. 7359 यहाँ है, 7030 rupees में आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा. अगर आपको AFO का कोर्स अलग से परचेस करना है तो सिंपली AFO सर्च कीजिए. अक्टूबर 6 या 7 से ये स्टार्ट होगा. ठीक है, बाय नाउ यहाँ पर जाना है. 5 teacher रहेंगे मेंस के, 3 teacher रहेंगे प्री के, 8 teacher टोटल आपके रहेंगे. कोड Y291 अप्लाई. 3219. ठीक है, कितना होगा? 3219 रुपए का ये रहेगा. नेक्स्ट, अगर आपको एफसीआई के लिए अप्लाई करना है, ऑल कोर्सेस में जाइए, एफसीआई में जाइए, एफसीआई AG3 या मैनेजर जो भी चूज करना है. एक है AG3 टेक्निकल का अकेले का कोर्स, एक मैनेजर अकेले का कोर्स. अगर आप दोनों के लिए अप्लाई किया हो ना तो एक कंबाइन कोर्स है. अगर आप सिंगल कोर्स लेते हो AG3 टेक्निकल या AG2 टेक्निकल, तो ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 4000 का होगा. यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में सेम प्रोसीजर है, Y291 यहाँ पे अप्लाई करना है. यहाँ पर 4140 का दिखा रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन में ये 3960 का होगा. ठीक है, 3960 का होगा. और अगर आप मैनेजर और टेक्निकल दोनों के लिए अप्लाई किए हैं तो ये कंबाइन कोर्स जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे. ठीक है, बाय नाउ पे जाना है और कूपन कोड इज Y291 अप्लाई. जैसे ही अप्लाई करते हैं, 4599 है, 4400 में एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा. सर IBPS AFO का बैच नहीं दिख रहा है अग्री महापैक में, दिख जाएगा. क्लास होने से पहले सारे बैचेस दिख जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, डोंट वरी सर, SO की बैच, IBPS AFO की बैच दिखेगी, सारे SO के बैच नहीं दिखेंगे. आप बोलोगे सर लॉ का बैच दिखेगा, नहीं दिखेगा. ठीक है, एग्री महापैक में IBPS AFO का बैच क्लास से पहले दिख जाएगा, डोंट वरी. अभी अभी ये मैप नहीं हुआ है. ठीक है, वो मैप हो जाएगा और वो दिख जाएगा. ठीक है सर, MSc एंट्रेंस के लिए, गुड़िया MSc एंट्रेंस के लिए अगले साल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके. ठीक है, तो अगले साल या इसी साल के एंड में भी स्टार्ट हो सकता है. ओके, और जो भी स्टार्ट होगा वो सारा का सारा एग्रीकल्चर महापैक में इंक्लूड होगा. ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल करते वक्त Y291 या Y291 का कोड आप यूज करके एनरोल कर सकते हो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे रॉकिंग. बाय बाय.